आईएएस आईपीएस से ज्यादा बच्चे भारतीय सेना के अंदर अधिकारी बनने के लिए भेजते हैं, यानी एनडी का जो टेस्ट है उसमें संख्या आईपीएस आईएएस में एग्जाम बैठने वालों से ज्यादा होती है। कहने का मतलब है कि भारतीय युवाओं में देश सेवा के लिए बहुत बड़ा क्रेज है। और मैं आज यहाँ पे जयपुर के अंदर एक ऐसी एकेडमी के अंदर हूँ जहाँ पे एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। मेरे साथ हैं प्राइड एकेडमी के निदेशक प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी, एनडीए की जो तैयारी है वो आप करवाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपके पास बच्चे एनडीए की तैयारी कराने के लिए आपके पास ही क्यों आए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नॉर्मली जैसे कभी बच्चा हमारे पास इंक्वायरी के लिए आता है, या जैसे कई बार फ़ोन कॉल्स भी हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि साहब आपकी एनडीए की फ़ीस कितनी है, या एक्स वाई जेड कोई भी कोर्स लेते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है। तो मैं उन पेरेंट्स से भी ये बात करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी संस्था को ज्वाइन कराएं अपने बच्चे को, तो केवल फ़ीस का पैरामीटर ना देखें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डिफेंस सर्विसेज के अंदर एज क्राइटेरिया होता है। एक चांस में हो सकता है आपका बच्चा अगले चांस दे ही नहीं पाए, ओवरेज हो जाए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वहां जो तैयारी करवाने का पैटर्न है वो पैटर्न क्या है एग्जैक्टली, उसका हमें पता होना चाहिए। तो हमारे यहां पर जो एनडीए का तैयारी करवाने का पैटर्न है वो सबसे यूनिक आपको मिलेगा। जैसे रिटर्न की अगर अपन बात करें तो अपने यहाँ पर जो क्लासरूम प्रोग्राम है उसके अलावा अपने डेली टेस्ट होते हैं। डेली टेस्ट से बच्चा अपना रिटर्न पावर है वो इम्प्रूव कर लेता है। जैसे एनडीए में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैथ्स का होता है, तो मैथ्स की हमारी रेगुलर दो क्लासें पैरेलल चलती रहती हैं, उसमें दो अलग अलग फैकल्टीज़ पढ़ाती हैं, तो जिस बच्चे को जिस फैकल्टी से पढ़ना अच्छा लगे उसे पढ़ सकता है, नंबर एक एडवांटेज। नंबर दो एडवांटेज, अगर मैं एक वैकेंसी की बात करूँ तो सिलेबस जैसे नॉर्मली 4 महीने में सिलेबस पूरा होता है, और अगर बच्चा दोनों क्लासें पैरेलली लेता है तो वही सिलेबस उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते यहाँ पे। यहाँ पे जैसे नॉर्मल कई कोचिंग्स में गारंटी बैच के नाम पे बच्चे को सुबह से शाम तक रखा जाता है और एक एक 1.5 लाख रुपए फीस लेते हैं, हमारे यहाँ पर उसी नॉर्मल फीस के अंदर बच्चा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ सकता है। उसका जो एक्स्ट्रा एडिशनल टीचर्स का फैकल्टीज का जो सपोर्ट होता है उसके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते। अगर बच्चे की एक टॉपिक में भी प्रॉब्लम होती है तो हम सिंगल टॉपिक दोबारा से रिपीट भी करवा देते हैं बच्चे के लिए, अगर बच्चा इंटरेस्टेड हो उसके अंदर पढ़ने के लिए, अगर कोई वास्तव में कोई ऐसा इशू हो। तो ये तो अपने रिटर्न की बात होगी कि जैसे डेली टेस्ट वगैरह हम लोग लेते हैं, इंप्रूवमेंट वगैरह का सारा सिस्टम। उसके अलावा जैसे एनडीए की जो सेकेंड फेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है एसएसबी, उसके लिए नॉर्मली जैसे कई कोचिंग्स में क्या होता है कि एसएसबी के छोटे छोटे सेगमेंट और सेक्शन रखे जाते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग एसएसबी के अंदर जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, पब्लिक स्पीकिंग होता है, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, इन पे हम लोग बच्चों पे शुरू से ही काम करते हैं इंडिविजुअली। और उसके अलावा जैसे ही हमें लगता है कि भाई ये बच्चा एनडीए का एग्ज़ाम अपीयर कर लेगा, क्लियर कर लेगा, तो फिर यहाँ पे जैसे आपको पता है जयपुर के अंदर कई ऐसे इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली एसएसबी के ही बैचे चलवाते हैं, तो हम लोग लास्ट में क्रेश कोर्स के लिए उन बच्चों को वहाँ पर रेफर करते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के स्पेशलिस्ट से अच्छी गाइडेंस ले सके। तो ये सबसे बढ़िया बेनिफिट यहाँ से बच्चों को मिलेगा, क्योंकि हम लोग रिटर्न के अंदर बच्चों को बहुत अच्छा देते हैं, और एसएसबी के लिए हम उसको मिसगाइड नहीं करते कि भाई आप हमारे पास यहीं से करें, हम उसको फंडामेंटल्स पे, जैसे मान लो इंग्लिश स्पीकिंग है, अब कोई भी बच्चा अगर किसी भी जगह एसएसबी के क्रॉस कोर्स के लिए जाएगा तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि आपको ऐसे बोलना चाहिए, या उसके फंडामेंटल्स पर काम नहीं किया जाता, हम लोग उसके फंडामेंटल्स पर काम करते हैं। और फिर जब हमें लगता है कि बच्चा पेपर अपीयर कर लेगा तो फिर उसको स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं हम लोग, तो उससे बच्चे को मिसगाइडेंस नहीं मिलती है, और उसका जो भी चांस होता है मैक्सिमम हम चाहते हैं कि वो उसका कन्वर्ट हो सिलेक्शन के अंदर। तो ये थे प्रदीप सिंह जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो एनडी की तैयारी करवाते। यदि आपका बच्चा भी एनडी की तैयारी करना चाहता है तो आप यहाँ पर जयपुर के अंदर आप यहाँ आ सकते हैं। इनका एड्रेस हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे और साइड में इनका नंबर यहाँ वीडियो के अंदर भी चलेगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चे को भारतीय सेना में और अपने बच्चे का भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।